यूपीए क्या है? कभी खुद यूपीए का हिस्सा रह चुकी ममता बनर्जी के इस बयान ने खलबली मचा दी है। बयान ने यूपीए के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस राजनीतिक घमासान के बीच आज के इस वीडियो में जानते हैं यूपीए के उत्थान और पतन की कहानी। यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। साल था 2004 जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में यूपीए का गठन हुआ। 2004 में लोकसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस ने दूसरे विपक्षी दलों के साथ मिलकर यूपीए का गठन किया। इसमें सोनिया गांधी और सीपीएम के महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत ने अहम भूमिका निभाई। उन्हीं के प्रयासों से 12 क्षेत्रीय पार्टियां यूपीए का हिस्सा बनी। इनमें आरजेडी, एनसीपी, डीएमके, एलजेपी, टीआरएस, पीएमके, जेएमएम, एमडीएमके, आईयूएमएल, पीडीपी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और केरल कांग्रेस शामिल थी। एक और खास बात, इस गठबंधन के लिए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नाम पहली पसंद नहीं थी। पहले इसका नाम यूनाइटेड सेकुलर अलायंस या प्रोग्रेसिव सेकुलर अलायंस रखने का सुझाव दिया गया था, लेकिन 16 मई 2004 में हुई एक बैठक में ये बात कही गई कि तमिल में सेकुलर का मतलब गैर धार्मिक होता है। फिर गठबंधन का नाम प्रोग्रेसिव अलायंस रखने का सुझाव दिया गया, जिस पर सबने हामी भर दी। 22 मई 2004 में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली और इसके साथ ही यूपीए की पहली सरकार का गठन हुआ। इसमें शरद पवार, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, शिबू सोरेन, चंद्रशेखर राव, बालू दयानिधि मारन, ए राजा और अंबुमणि रामदास शामिल थे। लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। कई वजहों से पार्टियों का इससे अलग अलग होने का सिलसिला शुरू हो गया। साल 2006 में चंद्रशेखर राव की टीआरएस, 2007 में एमडीएमके, 2008 में चाइल्ड लेफ्ट पार्टियों ने पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर 2009 में पीडीपी और डीएमके पार्टी ने भी यूपीए से किनारा कर लिया। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। कांग्रेस ने अकेले 206 सीटें जीती। फिर हुआ यूपीए 2 का गठन। इस बार यूपीए 2 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां शामिल हुई। इसके साथ ही ममता बनर्जी को रेलवे मंत्री बनाया गया। लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनावों से कांग्रेस के साथ ही यूपीए का पतन शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को जोरदार जीत और कांग्रेस को हार मिली। यूपीए का गठबंधन भी फेल रहा। ऐसे शिकस्त हुई कि 2014 के चुनावों के बाद यूपीए मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए। उसके बाद हाल ऐसा हुआ कि साल 2019 के आम चुनावों में एनडीए के सामने भी यूपीए टिक नहीं पाई। दो बड़ी हार के बाद राजनीति पर हर दिन यूपीए की पकड़ ढीली पड़ती गई। हालांकि यूपीए की अगुवा रही कांग्रेस ने कभी यूपीए को खत्म करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले कई सालों से चुनावों में लगातार खराब प्रदर्शन ने इसे काफी कमजोर जरूर बना दिया है। अब तृणमूल से लेकर एनसीपी तक कभी इस गठबंधन के प्रमुख सहयोगी रहे दलों द्वारा इसका अस्तित्व ही नकारने से इसके भविष्य को लेकर काले बादल छाते जरूर दिख रहे हैं। ऐसे ही और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।